मैंान हॉफली आप साब खैर से होंगी आज हम बात करने जा रहे हैं फ्रॉड फैक्टर्स रिलेटेड टू दटिट्यूड बिहेवियर ऑफ एम्प्लॉज मैनेजमेंट सो लेट्स बिगिन देखिये लो मोराल डपर विथ एंटीथी लो सैलरीज नो बोनस ये वो सब फैक्टर्स हैं जो एम्प्लॉ को मजबूर कर देते हैं फ्रॉड कॉमेंट करने के लिए एम्प्लॉ है जस्टिफिकेशन उनके पास एक रेशनलाइजेशन होती है जस्टिफिकेसन होती है कि क्यों कर हमसे बहुत ज़्यादा मेहनत करवाई जा रही है बट वी आर नॉट पेड वेल वी आर नॉट गिवन बोनसेस वी हैव नॉट बीन पेड गुड सैलरीज सो ये हमारा हक बनता है कि हम किसी ना किसी तरीके से कंपनी से वसूल करें राइट सो दे कॉमिट फ्रॉड्स वो थेफ्ट करेंगे राइट सो दे हैव द जस्टिफिकेशन एंड दट इज द एटीट्यूड Of the employees that brings the fraud. Likewise, management is not providing you the written representation. Written representation, remember, is the mandatory evidence which an auditor needs to obtain. A management written representation nahi de Rahi. ye एवरी थिंग दैट शुड है मतलब रिकॉर्ड्स कम्प्लीट हैं अगर वो इसकी रिप्रजेंटेशन नहीं दे रही लिख के इस्टेटमेंट नहीं दे रही देन दाल में कुछ काला है मैनेजमेंट ने रिकॉर्ड्स कम्प्लीट नहीं बनाए इसी लिए वो डर रही है और वो रिटर्न रिप्रजेंटेशन आपको नहीं दे रही बिकॉज उनको ये फेयर है कि कल को अगर इन्वेस्टिगेशन में हमारा नाम आ गया और कुछ यू नो ट्रांजैक्शंस अनरिकॉर्डेड मिल गई तो फिर हम फंस जाएंगे सो so, इससे बेहतर है आप ना ही लिखो लेकिन एज एन ऑडिटर आपको जान लेना चाहिए कि यहाँ पर गड़बड़ है दाल में कुछ काला है डेट्स वाई रिटन रिप्रेजेंटेशन नहीं लिख के दे रहे सो so, यहाँ पर मैनेजमेंट का बिहेवियर है जिसकी वजह से फ्रॉड है क्योंकि लिख के नहीं दे रहे ले ऑफ इज एमिनेंट अनफेयर डिसमिसल एक एम्प्लॉय को अनफेयरली ट्रीट किया जा रहा है उसे अनफेयरली निकाला जा रहा है उस एम्प्लॉय की जो फीलिंग्स होगी ना वो रेवेंज वाली होंगी वो चाहेगा कि मैं कंपनी से बदला लूं और इसीलिए वो फ्रॉड कॉमिट करेगा बिकॉज यू वॉज ट्रीटेड अनफेयरली एनदर बिहेवियर एटीट्यूड ऑफ एम्प्लॉज द डिफाइन्स द रिस्क फैक्टर करप्शन अमंगस्ट द मैनेजमेंट जहां जैसी मैनेजमेंट होगी वैसे ही आपको एम्प्लॉइज मिलेंगे दे हैव द जस्टिफिकेशन कि यार हमारी मैनेजमेंट ही फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं अगर हमने कर लिया तो कौन सी बड़ी बात है अगर हमें कभी उसने पकड़ भी लिया तो हम कहेंगे भाई आप अपने गृहबान में देख लो झूठा झूठे को सेव करता है सो so, यहीं पर हमें ये नजर आता है कंपनीज में भी तो क्योंकि एक मैनेजमेंट करप्ट है तो वहाँ की जो एम्प्लॉज होंगे वो भी करप्ट होंगे सो so, फ्रॉड की जस्टिफिकेशन है टाइम कंस्ट्रेंस डेडलाइंस अमूमन ऑडिटर्स को डेडलाइंस दी जाती हैं यानी कि मैनेजमेंट डर रही होती है कि कहीं अगर इनको ज़्यादा टाइम मिल गया तो ये ऑडिट में हमारे फ्रॉड्स को इन्वेस्टिगेट कर लेंगी इसीलिए उन्हें ज़्यादा यू you नो know, जोर दिया जाता है कि आप जल्दी जल्दी काम करें जल्दी जल्दी ऑडिट करें तो so यहाँ पे ऑडिटर को सोचना चाहिए कि आखिर हमें क्यों मैनेजमेंट रोक रही है हमें क्यों मैनेजमेंट कम टाइम दे रही है दाल में ज़रूर कुछ काला है ये भी एक फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी को दर्शाता है इनकसिस्टेंट रिस्पॉन्स एंड रिकॉर्ड्स आपने कंफर्मेशन भेजी लॉयर से पूछा क्या केसेस चल रहे हैं कंपनी पे उन्होंने कहा भाई इनके ऊपर तो कुछ बीस तीस केसेस चल रहे हैं जबकि आपको मैनेजमेंट ने बताया था कि क्या कुछ चार पांच हैं सो इनकंसिस्टेंसी मैनेजमेंट झूठ बोल रही है आपसे और जो एविडेंस आपको मिला है वो मुख्तलिफ है फ्रॉड है क्यों नहीं बता रही? क्या ऐसा लॉ सूट में है क्यों नहीं बताया जा रहा क्योंकि आपको पता है कि लॉ सूट चल रहा है तो आपको प्रोविजन बुक करना होता है और प्रोविजन बुक करने से आपके प्रॉफिट्स गिरते हैं तो मैनेजमेंट कहीं ना कहीं फ्रॉड में इन्वॉल्व है एक्सेस डिनाइड टू रिकॉर्ड्स एंड पीपल मैनेजमेंट लोगों से मिलने नहीं दे रही कोई एक शरीफ बंदा है माजी बंदा है शायद वो जानता है कि इन्होंने फेक सेल्स बुक हैं, बहाने बना रही है मैनेजमेंट कि भाई वो मुल्क से बाहर है वो नहीं है आप कह रहे हो भाई हमें मिलना है मिलवा दो नहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ है इसी तरीके से रिकॉर्ड्स का एक्सेस नहीं दिया जा रहा आपको ये बोला जा रहा है ये ट्रांजैक्शंस हैं सेल की बाकी हम देख रहे हैं ढूंढ रहे हैं मिल जाएंगी इन्वाइस तो आपको दे देंगे वहाँ नहीं एक्सेस नहीं दे रहे फेक सेल्स बुक की होंगी तभी नहीं दे रहे हो सकता है ओरिजिनल रिकॉर्ड्स डिनाइड ओरिजिनल फाइल्स नहीं दे रहे कॉपीड फाइल्स दे रहे हैं कुछ ना कुछ गड़बड़ है क्यों नहीं दे रहे एन अदर फ्रॉड रिस्क फैक्टर इंटरनल कंट्रोल्स वीक हैं डेफिशेंसीज हैं लेकिन मैनेजमेंट कोई काम नहीं कर रही बैड डेट्स पर बैड डेट्स होते चले जा रहे हैं कंपनी में लेकिन कोई मैकेनिज्म नहीं है कि मैनेजमेंट बनाए के क्रेडिट लिमिट कस्टमर की सेट की जाए जैसे ही वो बंदा आपसे कुछ माल खरीदने आए उसकी क्रेडिट लिमिट सेट की जाए उसके डिफ़ॉल्ट रिस्क को एवेल्यूएट किया जाए उसकी पास्ट हिस्ट्री को देखते हुए फिर जाके हम इनको जो है वो क्रेडिट पे सेल करें या ना करें फैसला करें नहीं ऐसा कोई मेकेानिज़्म नहीं है डिनाई कर रही है डेफिशंसीज हैं मगर सुधार नहीं रही क्यों नहीं सुधार रही मे बी खुद ही फायदा ले रही हो फ्रॉड रिस्क फैक्टर